पूरे देश के लोगों को ओपन चैलेंज है, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर यहीं की यहीं केस करें। मैं ऑफिशियल बोलता हूं कि ऐसा एक व्यक्ति दिखाएं जिसके घर में एक बार के बाद दोबारा सिलेंडर भराओ। बीजेपी ने जरा बता दें, वो सिलेंडर वाली एंटी जो जंतर मंतर पे बैठी हुई थी उनको भी चैलेंज दे रहा हूं। हाँ दिखाइए ना। ये सिर्फ एक देश में झूठ फैलाया जा रहा है, सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। कोई ऐसी महिला नहीं होगी जिसके घर में दोबारा सिलेंडर भराओ। प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट आप गिना दीजिए जिसमें प्रधानमंत्री आपको ये कहते हुए नजर आ रहे हो कि हम लोग बेरोजगारी की कमर कसेंगे, महंगाई कम करेंगे और नौजवानों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे। नहीं, ये एक बार भी नहीं कहते। इनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि दंगाई बनाएंगे, इनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि छुरियों में धार लगा लो, क्योंकि ये नहीं चाहते कि देश के अंदर अंबेडकर पैदा हो। जनाब अंबेडकर साहब की वो ताकत थी कि शिक्षा के दम पर उन्होंने भारत देश का संविधान लिख दिया। 20 लाख से ज्यादा लोगों ने जो है वो नीट का एग्जाम दिया। यानी आप ये सोचिए, एक और जहां सुधीर चौधरी जैसे और तमाम जो भाजपा के गोदी मीडिया के रिपोर्टर हैं वो कहते हैं कि युवाओं पे टैलेंट नहीं है। अगर युवाओं पे टैलेंट है तभी तो 20 लाख से ज्यादा लोगों ने जो नीट का एग्जाम दिया। ठीक है, आप मुझे बताइए किसे घुसपैठिया कहते हैं? आप उस देश के उस मुसलमान को घुसपैठिया कहते हैं जिसने इस देश के लिए अपनी जान दे दी? आप पढ़िए अशफाकुल्ला खान के बारे में, आप पढ़िए इस देश के अंदर मीर उस्मान अली के बारे में, आप पढ़िए बहादुर शाह जफर के बारे में जिनके बच्चों का सर काट के रंगून की जेल में रख दिया गया। आप पढ़कर तो देखिए। देखिए आप प्रधानमंत्री की बात को समझ नहीं पाए। प्रधानमंत्री का कहना है कि जब मैं ही आपको लूट रहा हूं और बड़े प्यार के साथ आपको लूट रहा हूं तो आपको दूसरे से लूटने की जरूरत क्या है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के दौरान, कोविड काल के दौरान माताओं बहनों के मंगलसूत्र बिकवा दिए, और जिनके मंगलसूत्र नहीं बिके दोबारा आएंगे तो नरेंद्र मोदी जी उनके भी मंगलसूत्र बिकवा देंगे। आप मोदी जी को मौका तो देकर देखिए। अभी तो आपने सिलेंडर महंगा होते हुए देखा है, उसके बाद आप पेट्रोल डीजल भी महंगा होते हुए देखेंगे। तो जिन माताओं बहनों के मंगलसूत्र नहीं बिके एक बार और वो मोदी को मौका देके देख लें, उनके भी मंगलसूत्र बिकवा देंगे। नरेंद्र मोदी का कहना है कि जब मैं आपको प्यार से हिंदुत्व की अफीम चटा के, सनातन की अफीम चटा के, जब मैं आपको और आपकी माताओं बहनों के मंगलसूत्र बिकवा रहा हूं तो आपको दूसरे को वोट देने की जरूरत क्या है? एक ने, मुझे लगता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में देश की जनता बताए कि मैं किसके बारे में मना कर रहा हूं, एक ने मंगलसूत्र छीनने से मना कर दिया, उसको छोड़ दिया, ये सबको पता है मैं किसके लिए बात कर रहा हूं। दूसरी बात ये कि एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतने 70 साल से इस देश के ऊपर कांग्रेस ने राज किया, मैं किसी पार्टी से नहीं, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी माताओं बहनों के मंगलसूत्र बिक गए? आप एक बात मुझे बताइए, आपका जन्म 2014 में तो हुआ नहीं होगा, नहीं। उससे पहले का आपका जन्म हुआ पड़ा, आपके पिताजी भी थे, आपके माता के पिताजी के कभी वो बिके क्या? माता के आपके बिके कभी मंगलसूत्र? बिका क्या? कभी नहीं बिका, किसी का नहीं बिका। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जब मैं ही आपके मंगलसूत्र बिकवा रहा हूं आपकी माताओं बहनों के तो आपको किसी और को वोट देने की जरूरत क्या है? ये नरेंद्र मोदी जी का साफ तौर पर कांग्रेस से सचेत करा रहे लोगों को। नहीं, कांग्रेस से आप सचेत करा के क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा हमले आपकी सरकार के राज में, और आप कौन से घुसपैठियों की बात करते हैं जरा ये तो बताइए। आपने बच्चे पैदा नहीं, नहीं। अरे घुसपैठियों की जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी खुद कितने भाई है जरा सवाल का जवाब दीजिए, योगी आदित्यनाथ कितने भाई है जरा सवाल का जवाब दीजिए ना। ये पागल आप उस देश की जनता को बनाइएगा, उन लोगों को बनाइएगा जो पढ़े लिखे ना हो, हम लोगों को मत बनाइए। दूसरी बात ये कि एक बात आप मुझे बताइए किसे घुसपैठिया कहते हैं? आप उस देश के उस मुसलमान को घुसपैठिया कहते हैं जिसने इस देश के लिए अपनी जान दे दी? आप पढ़िए अशफाकुल्ला खान के बारे में, आप पढ़िए इस देश के अंदर मीर उस्मान अली के बारे में, आप पढ़िए बहादुर शाह जफर के बारे में जिनके बच्चों का सर काट के रंगून की जेल में रख दिया गया। आप पढ़कर तो देखिए। और आप एक बात मुझे बताइए, आपसे बड़ा बहरूपिया कौन है इस देश के अंदर? आपकी पार्टी के नेता जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने जाते हैं, आप खुद पाकिस्तान में बिन बुलाए बिरयानी खाने के लिए जाते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, जैसे जिस तरीके से एक बच्चे को चोट लगती है बच्चा चिल्लाता है, वैसी जैसी देश में चुनाव आ जाता है वैसी नरेंद्र मोदी जी का एक ही रोना है और वो है मुसलमान को लेकर। लेकिन मैं एक बात इस देश के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है ये एक देश के लिए एक बड़ा खतरा है। आपको एक बात बता दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और आपको बता देता हूँ मेरे पास कुछ डेटा है उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना चाहूंगा। इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 नौजवान जो है वो बेरोजगार है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की चर्चा होती है सिर्फ कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे। यानी आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो इतना गिरा हुआ है कि नरेंद्र मोदी भी उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। नरेंद्र मोदी चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे, बीजेपी के मैनिफेस्टो पे चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि बीजेपी का मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा है ही नहीं जिस पर चर्चा हो सके, और चर्चा करेंगे कहां से?
अगर नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के मैनिफेस्टो पे चर्चा कर लेंगे तो पब्लिक नीचे से जूता खोल लेगी। इसलिए जूता खोल लेगी क्योंकि नरेंद्र मोदी ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो जनता से रोजगार की बात करके गए। ये नरेंद्र मोदी वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने जनता को कहा कि आपके बच्चों को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, लेकिन आज हमारे देश के अंदर हर 3 में से 1 नौजवान जो है वो बेरोजगार घूम रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो 29.1% हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जिसमें आपको बता दूं हरियाणा बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 पे आ गया है। नरेंद्र मोदी जी आपको शायद नहीं पता होगा, हरियाणा इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में नंबर 1 पे आ गया है। हरियाणा के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 37.4%, यानी सबसे ज्यादा अगर अनएम्प्लॉयमेंट कहीं पर है तो वो हरियाणा के अंदर। और ये मेरे घर की रिपोर्ट नहीं, ये सीएमआई का डाटा है। सीएमआई के डाटा के अनुसार हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अगर हम बात करें जुलाई 2023 के अंदर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पार्लियामेंट के अंदर एक डाटा बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो एमबीबीएस की जो जॉब्स हैं वो 1,08,000 हमारे यहाँ पर एमबीबीएस की जॉब्स हैं, 1,08,000 एमबीबीएस की जॉब्स हैं। इनमें से कुछ जॉब जो है वो बीडीएस की भी हैं, ठीक है। अब आप सोचिए कि 1,08,000 वैकेंसियां बीडीएस की भी मिला लें तो 1.4 लाख के समथिंग हमारे पास में टोटल नौकरियां थी। लेकिन हमारे देश के अंदर नीट का एग्जाम कितने लोगों ने भरा? 20 लाख से ज्यादा लोगों ने नीट का एग्जाम दिया। सबको डॉक्टर ही बनना है क्या? अरे बिल्कुल, आपने गोदी मीडिया वाला प्रश्न किया, उस पर मैं आपको जवाब दूंगा। 20 लाख से ज्यादा लोगों ने जो है वो नीट का एग्जाम दिया, यानी आप ये सोचिए एक और जहां सुधीर चौधरी जैसे और तमाम जो भाजपा के गोदी मीडिया के रिपोर्टर हैं वो कहते हैं कि युवाओं पे टैलेंट नहीं है। अगर युवाओं पे टैलेंट है तभी तो 20 लाख से ज्यादा लोगों ने जो नीट का एग्जाम दिया, ठीक है, आप सोचकर देखिए। लेकिन हमारे देश में डॉक्टरों की सबसे ज्यादा कमी है और यही कारण है कि हमारे देश के बच्चों को पढ़ने के लिए एमबीबीएस करने के लिए रशिया जाना पड़ता है और उसके बाद वो विदेश के अंदर ही डॉक्टरी करते हैं। और हमारे देश के लोग सबसे ज्यादा आपको विदेश में मिलेंगे, चाहे वो डॉक्टरी का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो। और आप बात करेंगे कि भैया सबको डॉक्टर ही बनना है, ये सुधीर चौधरी वाला प्रश्न है, गोदी मीडिया अक्सर ऐसे प्रश्न करती है। तो बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग के ऊपर भी। आपको बता दूं दिसंबर 2022 के अंदर आपको बता देता हूं कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशनल सुभाष सरकार ने एक डाटा दिया था राज्यसभा के अंदर। इन्होंने कहा था कि हमारी देश की जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन हमारे जो कॉलेज की जो इंजीनियरिंग की जो सीट है वो कम हो रही है। साल 2017-18 में हमारे देश में 14.65 लाख सीट थी, जो कि साल 2021-22 में 12.53 लाख हो गई। यानी आप सोच कर देखिए कि हमारे यहाँ पर सीटें कम हो रही है। उसका कारण जानते हैं आप क्या है? उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से एजुकेशन महंगी हो रही है, शिक्षा महंगी हो रही है, क्योंकि देश की सरकार नहीं चाहती कि अब कोई इस देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर पैदा हो, देश की सरकार नहीं चाहती कि अब इस देश के अंदर कोई अब्दुल कलाम आजाद पैदा हो, देश की सरकार नहीं चाहती कि कोई अब इस देश के अंदर भगत सिंह पैदा हो जो इस देश के नौजवानों को जगाने का काम करे। अब आप सोच रहे होंगे कि देश के अंदर इतने बड़े लेवल पर नफरत का जहर और इस देश के अंदर किस तरीके से जो मोदी जी के स्टेटमेंट्स हैं वो घर तक पहुंचाए जाते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान है देश के अंदर व्हाट्सएप का। अच्छा। अब आप सोच रहे हैं कि गोदी मीडिया का क्यों नहीं है? गोदी मीडिया का भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो योगदान है वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। गोदी मीडिया का इसलिए नहीं है क्योंकि गोदी मीडिया का कोई खबर चलाती है, फेक खबर चलाती है, तो फेक खबर के मामले में आपने देखा होगा कई पत्रकारों के ऊपर एफआईआर हुई, चाहे सुधीर चौधरी हो, चाहे अर्णब गोस्वामी हो, पालघर साधुओं के हत्याकांड आपको याद होगा, अर्णब गोस्वामी जेल भी गए उसके लिए, ठीक है, चाहे फिर वो आपके अमीश देवगन हो, चाहे वो अमन चोपड़ा हो, वैसे तो इनका नाम है अमन, अमन का काम होता है प्यार मोहब्बत फैलाना, शांति फैलाना, लेकिन ये देश में अशांति फैलाने का काम करते हैं। प्रदीप भंडारी, ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो फेक खबर के मामले में इनके ऊपर केस हुआ। इसलिए गोदी मीडिया क्या करती है, गोदी मीडिया फेक खबर नहीं चलाती, अब फेक खबर चलाती है भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल यानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये लोग ज्ञान अर्जित करते हैं और उसके बाद जो मन में आता है वो बकने का काम करते हैं। एक आपने वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्री है वो बोलती है कि हमारा देश लीज पर है, 99 साल की लीज पर है। तो ये कहां से आता है ज्ञान? ये ज्ञान कहीं और से नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप से आता है। और व्हाट्सएप में अगर आप एक बार एंट्री कर जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आपके धर्म में कितने ताकतवर हिंदू शासक हुआ करते थे, उसके बाद आप देख के बड़ा खुश होंगे। सेकंड ये आपको भेजेंगे कि आज आपकी हालत क्या है। थर्ड ये आपको भेजेंगे कि भैया इस देश में हिंदू खतरे में है। तो ये धीरे धीरे करके आपको आपके जंगल में फंसाते हैं। और ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी जब आप हिटलर को पढ़ेंगे, जब ये पॉलिसी आप हिटलर को पढ़ेंगे, मुसोलिनी को पढ़ेंगे, गोवलकर को पढ़ेंगे या फिर आप सावरकर को पढ़ेंगे, तो ये पॉलिसी उन लोगों ने आजमाई थी। जब आप एडोल्फ हिटलर की बात करते हैं तो एडोल्फ हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने भी यही किया कि जो समुदाय कम संख्या में है उन लोगों को टारगेट करना शुरू किया और जो ज्यादा तादाद में है उनका माइंड वॉश करने का काम शुरू किया। यही काम हुआ पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो सुन्नी जो है
उनकी तादाद ज्यादा है, तो बाकी समुदाय के लोगों को जो है वो टारगेट करना शुरू किया गया और सुन्नी समुदाय के लोगों का माइंड वॉश करने का काम किया गया। तो ये जो आइडियोलॉजी है ये हिटलर की आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करने का काम हमारे देश में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नहीं मोदी जी, एक सवाल ये है कि आपने तमाम डाटा पर बात करा, लेकिन जब प्रधानमंत्री आज के वक्त में जब कहीं भी भाषण दे रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो कहीं भी इन डाटाओं का जिक्र नहीं है। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान का जिक्र है या घुसपैठियों का जिक्र है या फिर मंगलसूत्र का जिक्र है। एक बात आप मुझे बताइए, अगर इस देश में घुसपैठिए घुस रहे हैं तो साल 2014 से लेकर साल 2023 तक 24 तक इस देश की सरकार क्या कर रही है? जी नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? आप एक बात बताइए ना, 14 से 24 तक आपकी सरकार है, अगर घुसपैठिए देश में घूमते हैं या घुसपैठिए देश में घुसते हैं तो सबसे बड़ी गलती इस देश की सरकार की है, इस देश की निकम्मी सरकार की है कि नरेंद्र मोदी के होते भी अगर घुसपैठिए देश में घूम रहे हैं तो आप लोग क्यों बैठे हैं कुर्सी पे? आप कुर्सी छोड़कर भग जाइए। असल में कोई घुसपैठिया इस देश में नहीं घूम रहा। ये देश इतना शांत देश था, इतना अच्छा, इतना खूबसूरत देश था कि जब हमारे पिताजी, हमारे दादाजी इस देश के ऊपर चर्चा करते हैं तो हम लोग सोचते हैं, हम लोग इमेजिनेशन करते हैं कि हमारा देश कितना खूबसूरत था, जहां दिवाली की रौनक, रमजान की रौनक एक साथ थी, जहां हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को गले से लगाया करते थे, जहां हिंदू बहनें मुसलमान भाई की कलाई पर राखी बांधा करती थी। आज उनके बीच नफरत पैदा कर दी गई, आज उनके बीच एक नफरत का जहर घोल दिया गया कि भैया अगर आज आपको मार रहे हैं कल आपको भी मार सकते हैं। ये मैसेज व्हाट्सएप पे क्रिएट किए जाते हैं कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि मुसलमान जो है वो आपके ऊपर राज करेंगे। भैया ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये सिर्फ आपके मन में एक नफरत भरी जा रही है। अगर ऐसा कुछ होता तो एक बात आप मुझे बताइए कि शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपनी पार्टी में क्यों रख रखा है? वो भी तो मुसलमान है। मुख्तार अब्बास नकवी, वो भी मुसलमान है, वो बीजेपी में क्यों है? क्योंकि असल में बीजेपी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई फर्क नहीं है। बीजेपी सिर्फ एक चीज जानती है कि अगर हिंदुओं को मरवाने से वोट मिले तो हिंदुओं को मरवा दो, मुसलमान को मरवाने से वोट मिले वोट से लालच है उनको, बिल्कुल देश से कोई लालच नहीं। अगर देश के प्रधानमंत्री को देश से प्यार होता तो प्रधानमंत्री चर्चा करते महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, नौजवान के ऊपर। प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट आप गिना दीजिए जिसमें प्रधानमंत्री आपको ये कहते हुए नजर आ रहे हो कि हम लोग बेरोजगारी की कमर कसेंगे, महंगाई कम करेंगे और नौजवानों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे। नहीं, ये एक बार भी नहीं कहते। इनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि दंगाई बनाएंगे, इनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि छुरियों में धार लगा लो, क्योंकि ये नहीं चाहते कि देश के अंदर अंबेडकर पैदा हो। जनाब अंबेडकर साहब की वो ताकत थी कि शिक्षा के दम पर उन्होंने भारत देश का संविधान लिख दिया। ये नहीं चाहते कि इस देश के अंदर अंबेडकर फूले जैसे लोग पैदा हो। ये लोग चाहते हैं कि हमारे देश के लोग अनपढ़ रहें, गवार रहें और इन जैसे लोगों की बातों में आते सीट तो लाना चाहते हैं ना जी। 400 सीट का तो नारा दे रहे हैं कि एक बात आप मुझे बताइए, 400 सीट कैसे आएंगी? बहन बेटियों को निर्वस्त्र करा के 400 सीट आएंगी ये बताइए, या नौजवानों को बेरोजगार करके 400 सीट आएंगी? मैं पूछना चाहता हूं, बहन बेटियों के मंगलसूत्र बचाकर 400? अरे 400 सीट बहन बेटियों का तो मंगलसूत्र बिकवा दिया। बहन बेटियों का मंगलसूत्र तो किसी बहन बेटी का मंगलसूत्र नोटबंदी में बिका, जिसकी बेटी की शादी थी और बैंक ने नोटबंदी हो गई, बैंक वाले ने पैसा नहीं दिया तो उस मां को अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ गया, मंगलसूत्र गिरवी रखकर आई तब जाके अपनी बेटी की शादी कराई। तो कौन, सबको पता है कि कौन मंगलसूत्र बिकवा रहा है। और आप कह रहे हैं कोविड में किसी के पति की तबीयत खराब थी तो पति का इलाज कराने के लिए उसकी पत्नी ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया, क्योंकि इनकी सरकार के राज में इलाज इतना महंगा हो गया कि लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बात आप मुझे बताइए कि मंगलसूत्र बिकवाने का काम तो बीजेपी ने किया है, सिलेंडर महंगा करके, सिलेंडर एक मान नहीं देख पाई, उसका बच्चा भूखा है क्योंकि घर में गैस नहीं है, गैस चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं है, तो गैस जलाने के लिए अपना मंगलसूत्र, राशन दिया है प्रधानमंत्री, पूरे देश के लोगों को ओपन चैलेंज है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर यहीं की यहीं केस करें। मैं ऑफिशियल बोलता हूं कि ऐसा एक व्यक्ति दिखाएं जिसके घर में एक बार के बाद दोबारा सिलेंडर भराओ बीजेपी ने, जरा बता दे। वो सिलेंडर वाली एंटी जो जंतर मंतर पे बैठी हुई थी उनको भी चैलेंज दे रहा हूं, हाँ दिखाइए ना। ये सिर्फ एक देश में झूठ फैलाया जा रहा है, सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। कोई ऐसी महिला नहीं होगी जिसके घर में दोबारा सिलेंडर भराओ। जब देश में बेरोजगारी हुई तो मां ने देखा कि उसका बेटा भूख से तड़प रहा है, तब मां ने गैस भरवाने के लिए अपना मंगलसूत्र बेका। तो मंगलसूत्र बिकवाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और जिसकी अंगूठी पायल या कुछ भी बचा होगा, नरेंद्र मोदी जी को एक बार और वोट दे दीजिए, आपकी अंगूठी पायल वो भी बिकवाने का काम कर देंगे, और उसके बाद में आपके हाथ में कटोरा थमा देंगे और कहेंगे जैसे मैंने भीख मांग के खाई 35 साल, अब आप भी भीख मांगे लीजिए, भी क्या एक्सपीरियंस। मोहित शर्मा, एक आखिरी सवाल होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभा को संबोधित करते हुए बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो इंडिया अलायंस के तमाम चेहरे हैं वो सब जाके मुख्तार की कबर पर फातिया लगाए, कोई जरूरत नहीं इलेक्शन लड़ने की। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, मुख्तार की कबर पर फातिया तो चलिए, मुख्तार तो हमारे देश का था, जिन्ना कहाँ था?
जिन्ना को तो आप कहते हो देश का बंटवारा किया, आप जो जिन्ना के मजार पे जाके फातिया पढ़ रहे हैं, वहां पे फूल चढ़ा रहे हैं, उनको नहीं कहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी दूसरे पे उंगली करने से पहले अपने गलेबान में झांक कर देख लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी किसी और की पार्टी के नहीं, आप ही की पार्टी के नेता हैं जो जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने के लिए गए। तो अगर एक उंगली किसी और की तरफ करते हो ना, तो बाकी के चार अपनी तरफ हैं। और बात करते हैं ना मुख्तार की, तो मुख्तार के परिवार का बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, देश से कभी गद्दारी नहीं करी, देश के प्रति अपना फर्ज अदा किया है, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर हो, चाहे फिर वो और तमाम चीजों से हो। तो जो आप दूसरे की ओर उंगली करें ना, एक बार अपनी तरफ देख लीजिए। और बात रही तो इस देश की जनता नहीं, मुख्तार अंसारी को पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम किया, नेता बनाने का काम किया है, ठीक है? आपकी तरह नहीं, आपके ऊपर, और आप दूसरों की बात करें, आपके ऊपर कम आपराधिक मुकदमे थे, आप तो सदन में खड़े होकर रो रहे थे, वो कम से कम रोया तो नहीं, शेर की तरह लड़ता रहा। और सबको पता है कि किसको कैसे मारा जा रहा है, आपकी सरकार है, आपकी लाठी है, आपकी भैंस है, जो आप कर रहे हो मनमानी कर रहे हो, ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये इस देश का संविधान लोगों को बोलने की इजाजत देता है। और जो आपकी पार्टी के लोग, जो टुचपैया जो लोग है ना, वो एक बात उनको कहना चाहूंगा, एक डायलॉग भी बहुत फेमस हो रहा है कि कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, शहर पालो, लेकिन इतना बड़ा जो है वहम मत पालो कि आप इस देश का संविधान बदल देंगे। संविधान बदलते बदलते आपकी सरकार चली जाएगी, आप चले जाएंगे, आपके नेता चले जाएंगे, लेकिन इतनी औकात किसी की नहीं जो संविधान बदल दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।